नमस्कार दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड, फिजिकल, पीएसटी तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 जून 2019 से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। आप सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के मिक्स एमसीक्यू लेके आया हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के काफ़ी प्रश्न बना चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू बी विजिटेड बाई स्पेस क्राफ्ट। तो हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा पहला कौन सा ग्रह है जिसमें कि स्पेस क्राफ्ट द्वारा हमने विजिट किया, तो उसका नाम है वीनस, शुक्र, ठीक है दोस्तों। और कौन सा एयरक्राफ्ट था, उसका नाम था वेनेरा सेवन, और ये भेजा गया था रसिया द्वारा, ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमें यहाँ से याद रखिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वी, वीनस, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज। इंडिया अपनी स्थल सीमा जो है कितने देशों के साथ साझा करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 देशों के साथ इंडिया जो है अपनी जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको साझा करता है। वो कंट्रीज हैं दोस्तों पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज़ के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट इंक्लूड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो शामिल नहीं है, तो डिग्निटी वर्ड जो है ऑप्शन नंबर सी, डिग्निटी वर्ड जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो प्रीएम्बल है वो हमने कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो हमने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो संविधान है उससे अडॉप्ट किया है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, जो नमकीन पानी होता है या खारा पानी होता है उसकी झील कौन सी है, तो लेक चिल्का, ठीक है दोस्तों, चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है, ये एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एशिया का फ्रेश वाटर लेक कौन सी है सबसे बड़ी, तो एशिया की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है, वो है उल्लर झील, ये बात आप याद रखिए, उल्लर झील, और ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक, जे एंड के में उल्लर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उमियाम लेक ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक, ठीक है, जो उमियाम लेक है उसको बारापानी लेक के नाम से भी जानते हैं, ये किस स्टेट में है, ये इसलिए है क्योंकि इसके दो नाम हैं, उमियाम लेक के नाम से भी पूछा जा सकता है और बारापानी लेक के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये किस राज्य में है दोस्तों, ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय के बारे में यहाँ से 2-3 चीज़ें जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ के जो गवर्नर हैं या राज्यपाल उनको बोल सकते हैं तथागत रॉय, राज्यपाल हैं तथागत रॉय, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर वह हैं कोनराड संगमा, ठीक है, ये बात आप यहाँ से याद रखिए, कोनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल रवि क्रॉप इन इंडिया। दोस्तों रवि की फसल, जायद की फसल इत्यादि हमारे जो इंडिया का फसल तंत्र है, अगर आप इंडिया के फसल तंत्र को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको भारतीय फसल तंत्र से एक पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी पारंपरिक रबी फसल नहीं है, तो पिजन पी, ठीक है, पिजन पी एक प्रकार की दाल होती है, वो हमारी रबी की क्रॉप नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काचिन हिल्स, काचिन हिल्स इंडिया और किस देश के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, तो काचिन हिल्स दोस्तों इंडिया और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। म्यांमार का सबसे पूर्वी भाग जो है वो काचिन हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो काचिन हिल्स किस किस के बीच की बाउंड्री बनाती है, इंडिया एंड म्यांमार, ठीक, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स। तो भारत के वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, ठीक है, तो फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है चमगादड़ यानी कि बैट को। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, फ्लाइंग फॉक्स बैट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी डिजीज, यानी कि हेरिडेटरी का मतलब होता है आनुवांशिक या वंशानुगत, ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है या अगर किसी के माँ बाप को होगी तो उसके बच्चों को हो जाएगी, तो ऐसी कौन सी बीमारी इनमें से नहीं है,
तो थैलेसीमिया, क्लड ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया तो वंशानुगत बीमारी हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल सकती हैं, लेकिन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, ठीक है दोस्तों, तो ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ल्यूकेमिया इज राइट आंसर। तो ल्यूकेमिया एक ऐसी डिजीज है जो कि आनुवंशिक नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है WBC पे अफेक्ट करता है, ठीक है, WBC को वीक कर देता है, जिससे कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाता है और ब्लड कैंसर कॉज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ल्यूकेमिया राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है जिससे हम अपना रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका उपयोग से हम ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं, ठीक, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 80/120 mmHg, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, मैं इनको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, दोस्तों अष्टक नियम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो जो हमारे तत्व थे, मैटर्स थे, उनका क्लासिफिकेशन के लिए ऑक्टेट रूल किसने दिया, वो दिया न्यूलैंड्स ने, ठीक है। मुगल काल, जो मुगल एरा था उसकी राजकीय भाषा क्या थी, तो राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल में जो ऑफिशियल कामकाज होते थे वो फारसी भाषा में किए जाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस है, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस मतलब कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। यहाँ से आप एक बात याद रखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि इंडिया के अंदर नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है 15 मार्च को। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, प्रथम फर्स्ट न्यूज अनाउंसर या न्यूज रीडर ऑफ दूरदर्शन, तो उनका नाम था प्रतिमा पुरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए इसको, प्रतिमा पुरी। विश्व का सबसे लंबा बांध, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे लंबा बांध है जिनपिंग वन बांध, ये चीन में है, जिनपिंग वन डैम चीन में है, इसकी जो लंबाई है वो है 305 मीटर, ठीक है दोस्तों। और भारत का सबसे लंबा बांध है वो है टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और 260.5 मीटर इसकी लंबाई है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसकी आपको पता है ये उड़ीसा में स्थित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था उसे किसने बनाया था, तो वो बनाया था राजा नरसिंह देव ने, ठीक है, राजा नरसिंह देव, ये बात आप याद रखिए। और दोस्तों इनकी इसके बारे में कुछ और चीज़ जान लीजिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है, और भारत में रिसेंटली 2017 में जो 10 रुपये का नया नोट जारी हुआ है उसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो 10 रुपये के नए नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। और जो 10 रुपये का नया नोट है उसके बाद उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, तो इसकी हाइट है 63 और इसकी विड्थ है 123, तो 63 × 123 mm स्क्वायर इसकी डायमेंशन है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ से पाब्लो पिकासो, आपने पिकासो का नाम सुना होगा, मशहूर चित्रकार, तो कौन से देश से थे, वो स्पेन से थे। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो दोस्तों और ओणम जो है वो केरला राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समाज में अश्लीलता फैलाने पर कौन IPC की कौन सी जो है धारा लगाई जाती है, तो इंडियन पिनल कोड की, जब जो समाज में अश्लीलता फैलाता है या गंदे विचारों को प्रकट करता है तो उसमें धारा 353 लगाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज में अश्लीलता फैलाने वालों के ऊपर IPC की धारा 353 लगाई जाती है, ठीक। किस विकिरण के कारण कैंसर होता है, तो कौन सी रेडिएशन जो है वो कैंसर कॉज करती है, जिसकी आपको पता है कि जो UV रेज है वो कैंसर कॉज करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब ओजोन परत का क्षय होता है या ओजोन परत धीरे धीरे जैसे डिप्लॉय हो रही है तो सूर्य से आने वाली प्रावैगिक किरणें जो है वो पृथ्वी में आ रही हैं, ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे स्किन कैंसर मेनली होता है, ठीक है, स्किन कैंसर होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण जो है इंसान को कैंसर होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे, और अपनी तैयारी फिट रखिए और निश्चित ही आपको इन एग्जामों में सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।